हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फैब फूडीज। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरमू। ये एक गुजराती स्नैक है। इसे आप स्नैक टाइम में या फिर पिकनिक टाइम पे या तो आप इसे लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं। बेसिकली ये आटा होता है जिसे हम स्पाइस अप करके सारे मसाले ऐड करके फिर इसे हम खाते हैं। इसे हम ओरमू या तो गुजराती में तीखो लोट कहते हैं, जो कि बहुत टेस्टी होता है और बनाने में बहुत इजी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हमें चाहिए ढोकला का आटा। ढोकला जो हम गुजरात में बनाते हैं, इसका आटा आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, जो कि ऐसा होता है। और इसके अंदर हम पीनट ऑयल ऐड करते हैं, अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून। इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, तब तक आपको आटे के अंदर ऑयल डालना है। मैंने यहाँ पे 3 कप आटा लिया है, जिसके सामने मैंने अराउंड 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे हम रोटी के आटे के अंदर मोइन डालते हैं, वैसे ही इसके अंदर डालना है। और यहाँ पे साइड में मैंने एक वेसल के अंदर थोड़ा सा पानी उबलने को रखा है, अराउंड 2 कप है। 3 कप आटा लिया है, उसके सामने मैंने 2 कप जितना लिया है। और फिर हम इसके लिए तड़का प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने अगेन पीनट ऑयल लिया है। और इसके अंदर मैंने मस्टर्ड सीड्स और क्यूमिन सीड्स ऐड किए हैं। जब वो क्रैकल होना शुरू हो जाए, हम उसके अंदर हींग ऐड करेंगे और अजवाइन डालेंगे इसके अंदर। और ये सूखी लाल मिर्च है, हल्दी है। और हम ये तड़के को आटे के अंदर मिक्स कर देंगे और जो हमने पानी गर्म किया है उसमें से थोड़ा सा इसके अंदर ले लेंगे। और हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और लाल मिर्च ऐड करेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे जो हमने उबलने को रखा था, गर्म पानी। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम ये बेलन की हेल्प से मिक्स करते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ढोकले का आटा होता है उसके अंदर उड़द होती है, जो कि स्टिक हो जाती है। अगर आप स्पून से या कोई स्पैटुला से करोगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इसके लिए हम यहाँ पे बेलन से इसे मिक्स करते हैं। हमने आधा ही पानी ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बाकी का आधा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रह जाए। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो हम वापस इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, सेमी लिक्विड। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है इसे। अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। आप इसे स्टीमर में भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में नीचे थोड़ा सा पानी रख देंगे हम। एक प्लेट रखी है जिसके ऊपर हम ये आटा रख देंगे और उसे कवर कर देंगे कि उसकी जो वेपर होगी वो उसके अंदर ना जाए। और फिर कुकर को बंद करके हम इसमें अराउंड 2 सीटी तक कुक करेंगे। कुक हो चुका है, मैंने प्रेशर कुकर ओपन कर दिया है और ये हमारा आटा अच्छे से कुक हो गया है। इसे वापस हम बेलन से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसको ऊपर से मैंने 1 टेबलस्पून पीनट ऑयल डाला है और मेथी का मसाला है ये। इसके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे अचार मसाला भी कह सकते हैं, जिसके साथ ये खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।